हाय गाइस, मेरा नाम दीप्तन, आप सभी देख रहे हो आपकी चैनल दीप्तनशील को। दोस्तों, फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो के अंदर एक नया ऑप्शन आया है, एक नया फीचर आया है। और क्या है ये फीचर, क्या है ये अपडेट, चलिए वीडियो पे आगे देखते हैं। तो मैं अभी मेरे ही क्रिएटर स्टूडियो के अंदर हूँ, आप लोगों को भी ऐसे ही क्रिएटर स्टूडियो के अंदर आना है और फिर इनसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही इनसाइट पे क्लिक करोगे, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जहां पे एक ऑप्शन आएगा इंस्टेंट आर्टिकल का। और इस इंस्टेंट आर्टिकल के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा ऑप्शन रेवेन्यू लिफ्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑप्शन रेवेन्यू लिफ्ट करके लिखा हुआ है। इस ऑप्शन पे अगर आप लोग क्लिक करोगे और अगर आपका पेज इंस्टेंट आर्टिकल से मोनेटाइज है, तो ये रेवेन्यू लिफ्ट फीचर के अंदर आपको इंस्टेंट आर्टिकल का पूरा डिटेल देखने के लिए मिलेगा। आपका एस्टिमेटेड अर्निंग, आपका ओपन रेट, ये सारे डिटेल यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको पता चल जाएगा। तो ये जो रेवेन्यू लिफ्ट टूल है, ये एक नया टूल आप कह सकते हो एडिशन हुआ है क्रिएटर स्टूडियो के अंदर अभी हाल ही में। तो ये रेवेन्यू लिफ्ट टूल, अगर आपका पेज इंस्टेंट आर्टिकल से मोनेटाइज है, तो एज ए पब्लिशर आप कैसे देखने के लिए मिलेगा, चलिए प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं आऊंगा, एक स्क्रीनशॉट को आपके सामने रखा हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी पेज इंस्टेंट आर्टिकल से मोनेटाइज है, उस पे रेवेन्यू लिफ्ट वाला जो पार्ट है इंस्टेंट आर्टिकल के अंदर, वो वाला पार्ट कैसे डिस्प्ले होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो योर आईए एडॉप्शन वाज 72% रिजल्टिंग, कितना रेवेन्यू आपको हो सकता है, एस्टिमेटेड रेवेन्यू वो शो कर रहा है। और उसके ऊपर से आपका इंस्टेंट आर्टिकल से कितना अर्निंग इन टोटल जनरेट हो सकता है, उसका भी एक आपको आइडिया मिल जाएगा। ओपन रेट कितना हो रहा है बेस्ड ऑन योर प्रीवियस परफॉर्मेंस, वो भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और उसी के साथ दोस्तों, अगर 100% आपका ओपन रेट रहता, एडॉप्शन रहता, तो उसके हिसाब से कितना एस्टिमेटेड अर्निंग हो सकता है, वो भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखा देगा। इसका मतलब आपका इंस्टेंट आर्टिकल का पूरा स्टैक यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे आप लोग पूरा आइडिया कर सकते हो मंथली बेस पे आपका क्या परफॉर्मेंस जा रहा है और क्या अर्निंग हो रहा है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया टूल फेसबुक ने अभी लाया है फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल पब्लिशर लोगों के लिए। तो ये स्पेशली जो भी न्यूज पेजेस है और जिनके अपना ब्लॉग है, जिसको इंस्टेंट आर्टिकल से मोनेटाइज किया है, उनके लिए काफी किफायती टूल साबित होगा आने वाले टाइम पे। और यहाँ पे दोस्तों, अगर एडिशनली बोलूं तो ये स्क्रीनशॉट आप लोग देख सकते हो, पर इंस्टेंट आर्टिकल में, एक एक इंस्टेंट आर्टिकल में क्या स्टेटिस्टिक है, क्या स्टैक है, वो भी आपको डाटा बाय डाटा यहाँ पे शो करेगा, जो कि अभी आप लोग स्क्रीनशॉट पे देख रहे हो। यहाँ पे आपको आई एडॉप्शन करंट, टोटल ओपन करंट, और उसके बाद आरपीएम कितना हो रहा है, मतलब आपके जो भी इंस्टेंट आर्टिकल रहेगा उसके बेसिस पे, वो भी यहाँ पे शो करेगा। और यहाँ पे एक चीज और बता दूं, इंस्टेंट आर्टिकल के थ्रू बहुत ज्यादा रेवेन्यू फेसबुक से इनकम किया जा रहा है। बहुत सारे जो है लोग इंस्टेंट आर्टिकल के थ्रू मोनेटाइज करके फेसबुक से बहुत ज्यादा इनकम कर रहा है। और इसका सबूत यहाँ पे भी देख सकते हो कि जो आप लोगों का आरपीएम होता है इंस्टेंट आर्टिकल के थ्रू, वो कितना ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इंस्ट्रीमेंट। हाँ दोस्तों, इंस्टेंट आर्टिकल एक बहुत बढ़िया जरिया है फेसबुक को मोनेटाइज करने के लिए, और इससे काफी हद तक पैसा जो है आप लोग कमा सकते हो। इसका ही अब एक नया टूल यहाँ पे रेवेन्यू लिफ्ट करके लाया है क्रिएटर स्टूडियो के अंदर, जिससे आप लोगों को एज ए पब्लिशर बहुत आसानी होगा परफॉर्मेंस को समझने के लिए, अर्निंग को समझने के लिए। तो होप ये अपडेट भी बहुत सारे लोगों को पसंद आया होगा। और जिनको अभी तक पता नहीं है इंस्टेंट आर्टिकल से कैसे मोनेटाइज किया जाता है पेज को, तो वो लोग आप मेरे चैनल पे सर्च करके देख लेना, वीडियो ऑलरेडी है इंस्टेंट आर्टिकल से कैसे मोनेटाइज होना चाहिए। सबसे पहला क्राइटेरिया, आपके पास खुद का वेबसाइट ब्लॉग होना चाहिए, नहीं तो इंस्टेंट आर्टिकल से मोनेटाइज नहीं होगा। इसी बात पे वीडियो पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो, और मन को नाम कर दोस्तों, बाय।